Hey everyone, how are you all? I hope everyone is doing absolutely amazing. और नीट के सारे champs को congratulations from my side. I'm your chemistry teacher Sanjay Arya और I'm here to do what is next. तो बच्चों 23 नीट का रिजल्ट आ चुका है, काफी सारे अच्छे रिजल्ट भी आए, कुछ रिजल्ट अच्छे नहीं भी रहे, लेकिन जो अच्छे रिजल्ट हैं उसके बाद में क्या, या फिर जो पर्टिकुलर मार्क्स मुझे मिले हैं इसके आगे क्या? Definitely this is a time for counseling. तो नीट काउंसलिंग 2023 के लिए मैं यहां पे आया हूं और इस पूरे वीडियो में मैं यानी आने वाले 15 मिनट में बस रिवील कर दूंगा कि इसके आगे क्या करना है. तो बच्चों जो पर्टिकुलर प्रोसीजर आपको फॉलो करना होता है आफ्टर क्वालिफाइंग योर एग्जाम वो मैं सारा इसी पूरे के पूरे सेशन में लेके आया हूं. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले नंबर वन चीज है ये जानेंगे कि नीट की काउंसलिंग के लिए ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए मैं अपने आप को रजिस्टर कर सकता हूं. ये सारे प्रोग्राम है. अगर आपको एमबीबीएस बीडीएस जाना है तो आप जाते हैं एमसीसी से या फिर स्टेट के कोटा के अकॉर्डिंग, या फिर आपको बीएएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस करना है तो उसके लिए आप लोग आयुष काउंसलिंग के लिए जाते हैं जिसे मैं आज रिवील कर रहा हूं डिटेल में बड़ी जल्दी ही. सबसे पहली चीज है कि जो मेडिकल काउंसलिंग कमिटी है दैट इज एमसीसी, उसके अंडर ये सारे प्रोग्राम्स के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं, एमबीबीएस बीडीएस एंड नर्सिंग. लेकिन अगर आपको इन चारों यानी इन जो तीन आपको एमबीबीएस बीडीएस के लिए जाना है तो कौन से प्रोटोकॉल स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, दीज आर हियर. क्या करना होगा इसके लिए, आपके पास में चार राउंड होते हैं, आप अपनी चॉइस फिल करते हैं, उसके बाद में राउंड वन राउंड टू देन मॉप अप राउंड एंड उसके बाद में आता है आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद में क्लियर होता है कि आपको कौन सा अलॉटमेंट हुआ है, जिसके लिए आपको फिजिकली वहां पे इंस्टीट्यूशन पे जाके कुछ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट शो करने होते हैं, रजिस्टर करने होते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा. तो सबसे पहले जानेंगे कि एमसीसी के लिए जो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी आपकी है उसके लिए क्या क्या कॉलेजेस इसके अंडर आते हैं, क्या उनके पास में हमारा जो है कह सकते हैं कोटा रहता है, कैसे हम लोग उसमें एज पर आर रैंक जाते हैं. तो दैट इज अंडर हियर कि जो 23 की काउंसलिंग है दैट कम्स अंडर एमसीसी, और जो आपका अभी तक एनटीए का जो पूरा प्रोग्राम था बस अब वो खत्म हो गया है. एनटीए ने जितनी हेल्प करनी थी आपकी कर दी है, अब यहां से सीधे आप आ गए हैं एमसीसी के ऊपर, सारी कहानी यहां से शुरू होती है. तो 50% जो आपका ऑल इंडिया कोटा रहता है उसके सीट रिजर्व रहते हैं फॉर दिस, किसके लिए, सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर. उसके अलावा 100% सीटें रिजर्व है किसके लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए और डीम्ड यानी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए. एम्स है, जिपमर है, ईएसआईसी और एएफएमसी में भी आपको सीट सिर्फ कहां से मिलेगी, एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू. तो जान लेते हैं कि ये काउंसलिंग कैसे होती है और क्या क्या इसमें करना पड़ेगा. मेडिकल काउंसलिंग के अंदर जो भी गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं इसके अंदर 15% कोटा है ऑल इंडिया के लिए और स्टेट कोटा होता है 85%. तो आपको इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया हुआ है यहां पे ये जो 15% है उसके अंदर भी आपको 15% रिजर्व्ड कैटेगरी में एससी है, 7.5% एसटी, पीडब्ल्यूडी 5%, 27% ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का 10% है. तो यानी कंपटीशन ये है आपका कि जो प्रोसेस है आपका वो कैसे वर्क करेगा, चार स्टेप के अंदर वर्क करेगा. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना है नंबर वन जॉब, दूसरा काम है आपको उसको रजिस्ट्रेशन फी पे करना, तीसरा काम है आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग प्रोग्राम सिलेक्ट करना. ये सारी बातें मैं एमबीबीएस बीडीएस एंड नर्सिंग के लिए बता रहा हूं, तो पहले ही क्लियर कर दूं. सीट अलॉटमेंट आपको होगा कुछ स्टेजेस के अंदर जो भी आपको मैंने बताया काउंसलिंग राउंड्स के अंदर. मान लीजिए आपको फर्स्ट और सेकंड राउंड में कुछ नहीं मिलता है, then you can wait for the third round, that is mop up round, या फिर वैकेंसी का राउंड जो है फोर्थ, उसमें आप वेट कर सकते हैं. चलिए जानते हैं इसको नंबर वन चीज को सबसे डिटेल में. सबसे पहला काम है कि नीट की जो काउंसलिंग होनी है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कहां करें. तो मैंने बताया कि एनटीए ने तो हमारा साथ छोड़ दिया लेकिन अब हमारा साथ कौन देगा, एमसीसी. तो मेरे बच्चों mcc.nic.in पे जब आप जाएंगे तो इस तरह का आपको एक बॉक्स दिखाई देगा, उसमें न्यू कैंडिडेट के अंदर जाके रजिस्टर करें जो कि आपसे आपके एप्लीकेशन नंबर, आपके कैंडिडेट का नेम, ये डिटेल सारी चीजें पूछी जाएंगी. आफ्टर सबमिशन आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन डन, डना डन डन. सेकंड जो काम आता है वो आता है आपका नीट काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फी सबमिट करना.
यहाँ पे आप स्टेप टू के अंदर फी सबमिट करेंगे। देखो ये फी जो है मैं उसका थोड़ा सा आइडिया लेके आया, पिछले कुछ सालों में जो फी रहती है उसका आइडिया यहाँ पे ही है। तो बच्चों नीट 2023 का एग्जाम में जो क्वालिफाई कर चुके हैं उन सारे बच्चों के लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है, क्योंकि क्या प्रोसेस होना चाहिए वो यहां पे मैं एक एक स्टेप में आपको डिटेल में समझा रहा हूं। इसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारे वीडियोस और भी लेके आऊंगा, तो स्टे ओनली ऑन बायोटॉनिक, क्योंकि यहां पे हम लोग ना बहुत सारी चीजें आपके साथ बने रह के करने वाले। ये है यहां पर कैटेगरी की बात करें, अनरिजर्व की बात करें तो 1000 रुपीज आपका जो है ये रजिस्ट्रेशन फी है। ये किसके लिए? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में है, 15% जो ऑल इंडिया कोटा है उसके लिए। प्राइवेट के अंदर ये कुछ 5000 तक है। ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, अगर ये रिफंडेबल के लिए आपको जाना है तो इसमें थोड़ा सा प्राइस ज्यादा होता है, 10,000-5,000, बट हाँ इट्स कंप्लीटली रिफंडेबल, तो वो आपको वापस में मिल जाता है। ये बड़ा ज्यादा लग रहा है मुझे, काफी ज्यादा अमाउंट। चलिए थर्ड जो चीज है वो आता है ऑप्टिंग फॉर आर चॉइस, कि आपको कौन सी चॉइस फिल करनी है। तो बच्चों देखिए, चॉइसेस फिल करने के लिए डेफिनेटली हमारी हेल्प करेंगी कट ऑफ्स। तो अभी तक कट ऑफ की क्लैरिटी नहीं है ये, हाउएवर हमने पिछले सालों के जो कुछ डेटा है उनको लेके काफी अच्छी इंफॉर्मेशन रेडी की है, डेफिनेटली आपसे रिवील करूंगा। सो आपको कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही अपने जो होते हैं कॉलेजेस भरने, चॉइसेस भरनी है, जिस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपको जाना है उसको फिलअप करना है। उसके बाद में हम लोग आते हैं यहाँ पे कि चॉइस लॉकिंग जो होता है फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑन अ गिवन डे, तो ठीक है जानते हैं। सो इन दिस स्टेप क्या करेंगे, यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट कॉलेज प्रेफरेंसेस, एडमिशन इज granted on the basis of the merit, merit list के according होगा definitely. So NEET score जो है आपका उसके according preferences दी जाएगी and that will be submitted to the counseling process. But you can fill as many as choices you have. जितनी आपके पसंद है उतनी choices भर दो, लेकिन जरूरी नहीं कि मिल जाएगा। मान लीजिए आपने अगर AIIMS New Delhi भर दिया, या फिर let's say आपने कोई भी बहुत बड़ा government college भर दिया, आपने SMS college के लिए apply कर दिया जयपुर के लिए, बड़ा college है, government college, और आप अनफॉर्चुनेटली उस फर्स्ट राउंड में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, या फिर आपने कुछ लाइन से सीक्वेंस सेट की है और आपकी सीक्वेंस में स्टार्टिंग के चार कॉलेज एग्जाम मिलके आपको पांचवा मिल जाए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, लेट्स कम हियर। तो पोस्ट फिलिंग क्या होता है चॉइसेस का, यू हैव टू अरेंज देम इन ऑर्डर टू गेट द प्रेफरेंसेस, मूविंग देम अप और डाउन, इंटरचेंज द चॉइसेस। तो हम लोग बेसिकली अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं लिस्ट के, मेरे टॉप प्रायोरिटी पे ये कॉलेज है, एम्स न्यू दिल्ली टॉप प्रायोरिटी, और लीस्ट प्रायोरिटी पे लेट से कि मैंने डाल दिया अपना, अपने उस तरह का कोई गवर्नमेंट कॉलेज डाल दिया स्टेट का लेट से। एक बार आपने ये कर दिया चेंजेस तो यू विल नॉट बी एबल टू ऑल्टर द चेंजेस, तो इसलिए प्लीज प्लीज वेरी केयरफुली इसको भरना। उसके बाद में जब आप एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इसे वेट करेंगे हम लोग चॉइसेस का एलोकेशन का, उसके अलावा ये तो मैंने बोला है कि प्रिंट आउट जरूर ले लेना ताकि आपको पता रहे आपने क्या फिल किया है। ये आ गया काम, नीट काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट का वेट करें। अगर मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो एमसीसी क्या करता है, एमसीसी रिलीज करता है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आफ्टर ईच राउंड ऑफ द काउंसलिंग, इट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट फॉलोड बाय द इश्यू ऑफ द सीट अलॉटमेंट लेटर टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। कैंडिडेट जो होते हैं मस्ट रिपोर्ट टू द अलॉटेड कॉलेजेस। जैसे मान लीजिए कि आपने जो पर्टिकुलर प्रोग्राम जिस कॉलेज में सेलेक्ट किया है उसमें आपको सीट मिल जाती है, देन उसके बाद में फिजिकली आप वहां पे अपीयर होंगे, आप जाके रजिस्टर करेंगे, यू विल बी कैरिंग सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखा दूंगा, ये है वो डॉक्यूमेंट। तो इन सारे डॉक्यूमेंट जिसमें आपका आधार कार्ड है या नीट का एडमिट कार्ड है, रिजल्ट है, 11th, 12th, 10th की सर्टिफिकेट्स हैं, 8 पासपोर्ट साइज फोटोज आपके लगते हैं, ये सारे के सारे डिटेल जो है बच्चों ये एज इट इज आपको पीडीएफ के फॉर्म में मैं यहां पे डलवा दूंगा, लिंक पे भी शेयर करवा दूंगा मैं इसको डिस्क्रिप्शन में, प्लस आपको बायोटॉनिक चैनल जो हमारा है उसके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए आज ही, ताकि वहां पे आप आने वाले मेरे और वीडियोस के लिए भी अपडेटेड रह सके। तो ये था कि क्या करना है हमें हमारा नीट का एग्जाम क्रैक करने के बाद, ये सारे के सारे सर्टिफिकेट आप लेके आ सकते हैं और उसके बाद में शुरू होती कहानी कुछ ऐसी। आपने क्या काम किया मोटा मोटी, आपने सबसे पहले काउंसलिंग कर ली, काउंसलिंग के बाद में आपने अपनी पर्टिकुलर चॉइस पिक कर ली, चॉइस के बाद में फर्स्ट राउंड हुआ, फर्स्ट राउंड के बाद में पॉसिबिलिटी कि आपको आपके रिक्वायर्ड चीज मिल जाए, अगर मिल जाती है तो
तो आप जाके वहां पे ऑफलाइन यानी आप फिजिकली जाके वहां पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपना सेशन शुरू कर सकते हैं पढ़ाई का। लेकिन अगर नहीं तो आपको राउंड टू के अलॉटमेंट का वेट करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए राउंड टू के अंदर अगर हम लोग बात करें तो कुछ ऐसा होने वाला है कि राउंड टू के बाद में अगर मान लीजिए आपको सीट मिल जाती है तो इट्स वेल एंड गुड, जस्ट गो डायरेक्टली रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड। लेकिन नहीं तो अब आपके पास में चॉइसेस को अल्टर करने का कोई ऑप्शन नहीं है, यू गॉट टू वेट ओनली फॉर द मॉकअप राउंड एंड दी जो भी वैकेंसी आपको स्टेट वैकेंसी रह गई उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ाता हूं। हां जी हां जी, सो अगर आप एनआरआई कैंडिडेट हैं सो आप क्या कर सकते हैं, और अगर आपको किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आपको अपना एडमिशन लेना है तो आपको पासपोर्ट अपना कॉपी दिखाना पड़ेगा या पासपोर्ट सबमिट करने पड़ेंगे, स्पॉन्सरशिप एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, रिलेशनशिप एफिडेविट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको रिक्वायर्ड होंगी अगर आप एनआरआई हैं और अगर आप बाहर रह रहे हैं ना, यू अप्लाई फॉर द इंडियन मेडिकल कॉलेजेस। ये थी बात राउंड वन राउंड टू की। अब आते हैं थ्री एंड फोर। तो बेटा थ्री एंड फोर में आपका कोई साथ नहीं दे सकता, सिर्फ वही साथ देगा अगर आपके पास में कुछ सीट्स जो होती है वैकेंट रह जाती है, तो देन डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग इट। क्योंकि अगर फर्स्ट और सेकेंड राउंड में मोस्टली आपको मिल जाता है, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड में आपको वो सीट्स मिलेंगी जो एम्प्टी रह गई होंगी या फिर हो सकता है लकीली आपको चांस मिले। अब फ्री एग्जिट के बारे में जानते हैं। व्हाट इज फ्री एग्जिट? फ्री एग्जिट का मीनिंग होता है कि अगर आपने फर्स्ट राउंड के अंदर कोई पर्टिकुलर चीज को ऑक्यूपाई किया है और इफ यू डोंट वॉन्ट टू गो देयर, तो अगर ए कैंडिडेट असाइंड अ सीट इन द राउंड वन एंड ही डजंट विश टू ज्वाइन इट या रिपोर्ट नहीं करना चाहते इस कॉलेज में, so which they have been assigned, तो क्या कर सकते हैं, would not be penalized, उनको फी पे करने की जरूरत नहीं है, the security deposit जो भी होगा would not be forfeited, ठीक है, कैंडिडेट जो होगा वो एलिजिबल है फॉर द राउंड्स के लिए। यार मैंने तो जो चॉइस भरी थी उसमें मेरा टॉप मोस्ट कॉलेज एम्स न्यू दिल्ली था, लेकिन मुझे इसके अकॉर्डिंग मिल गया SMS जयपुर, और मुझे लगता है कि यार कहीं ना कहीं चांसेस हैं क्योंकि मेरे जो मार्क्स हैं वो 725 के आसपास है, तो क्या करूं, तो मैं वेट करूंगा। तो वेट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, ये मिलेगा। सो कब मेरे को पैसा देना पड़ जाएगा या फिर कब मैं मिनिटरली ज्वाइन करूंगा ये प्रोग्राम, अगर इफ अ कैंडिडेट इज ऑफर्ड अ सीट इन राउंड टू बट डज नॉट intend to take the seat, अब अगर आपने नहीं किया तो it's a risky thing, then in that case आप third round या fourth round को wait कर सकते हैं, but in that case you will be forfeited. So losing, you will be losing your security deposit जो आपने दिया था within the period given. ये थी कहानी मेरे बच्चों किसकी, आपके counseling से related आपके choices की, कि आपको कितना allocation होता है, कौन से round में क्या मिलेगा। अब यहां पे जानेंगे कि आपके पास में नीट काउंसलिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। 2023 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस तरह से है कि आपको सबसे पहले इसके लिए 23 के लिए एलिजिबल होने चाहिए आप टू अप्लाई फॉर द काउंसलिंग बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट आपको जो रिलीज होगी बाय NCC डेफिनेटली। ऑल द लिस्टेड कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग दोस फ्रॉम जम्मू कश्मीर कैन टेक पार्ट इन द 15% ऑफ ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, उसमें सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। It's mandatory to register on the official website जो मैंने बताया आपको MCCUG यानी ये जो है आपका MCC.NIC.IN पे register करना mandatory। तो NEET counseling eligibility जो होगी criteria वो है कि Supreme Court on an order to regarding this only के participation जो रहेगा candidates का counseling वो definitely MCC के through होगी and onwards 21 OCI candidate can apply for under the open category seats as per with Indian citizens. So earlier OCI candidate जो थे apply for counseling process under NRI seat quota category. Definitely this entire thing will be shared with you. आप जा सकते हैं। ये detail है कुछ deemed universities की जो private colleges हैं throughout the India और काफी इनके fee structure, इनकी location, इनके management seats और इनके जो number of total seats available आपको यहां पे मिल जाएंगे विद इन दिस डॉक्यूमेंट ओनली। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा देता हूं एंड आप इसे जरूर एक बार गो थ्रू करें, सारे कॉलेजेस के बारे में जाने। तो मैंने अभी ना सिर्फ ये कवर कर लिया, ये वाला पार्ट कवर हो गया। बात करते हैं स्टेट की। तो बच्चों स्टेट में आ जाओ। स्टेट के लिए क्या करना होगा मेडिकल काउंसलिंग अगर मुझे करनी है 2-4 स्टेट कॉलेजेस के लिए,
यानी मैं अगर स्टेट कोटा से बिलोंग करता हूं, मैं जयपुर से हूं, मुझे जयपुर की किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना, तो 85% वहां पे सीट रिजर्व है स्टेट कोटा के नाम पे। तो क्या करना है, स्टेट कोटा के लिए बच्चों सारे कॉलेजेस के, सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस के अपने अपने रूल्स होते हैं, वी हैव टू गो टू देयर इंडिविजुअल वेबसाइट, डू विजिट इट एंड देन फिल इट फॉर द फर्दर प्रोसेस। अब आ जाते हैं इसमें जो स्टेट अथॉरिटीज हैं, जिसमें 85% आपका स्टेट गवर्नमेंट का कोटा है और 100% जो सीट्स होती है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड सीट होती है। नीट काउंसलिंग जो होगी विल वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, डेफिनेटली इसी वजह से डिफरेंट डिफरेंट जो आपके कॉलेजेस रहेंगे उनमें डिफरेंट डिफरेंट आपको वेबसाइट पे विजिट करके करना पड़ेगा। अब आते हैं, ये कहानी तो हो गई, ये जो हमारे पास में जो हमारे इस प्रोग्राम से रिलेटेड थी, दैट इज MBBS BDS एंड ऑल। अब आते हैं बच्चों, जानेंगे BAMS BHMS और यूनानी BUMS, ये सारी चीजें हम लोगों को कैसे मिल सकती है, वाया आयुष काउंसलिंग, दैट इज AACCC। तो बच्चों ये देखिए यहां पे, दिस इज आयुष काउंसलिंग। इसमें क्या करना होता है कि आयुष एडमिशन जो होते हैं सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी, ये AAACC की फुल फॉर्म है, कंडक्ट करता है नीट काउंसलिंग 23 फॉर BAMS BHMS BUMS एंड BSMS, जिनकी डिटेल मैं आपको यहां दे देता हूं, दैट इज बैचलर ऑफ आयुर्वेदा, देन वी हैव होम्योपैथी, यूनानी एंड सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी। तो ये हम लोगों को इसके थ्रू लेना पड़ेगा। प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सेम है कि 15% मेरे पास में ऑल इंडिया कोटा रहेगा, 85% स्टेट गवर्नमेंट कोटा रहेगा, 100% जो रहेंगे BMS सीट्स फॉर BHU वाराणसी उत्तर प्रदेश, देन वी हैव 100% BMS सीट फॉर दिस। ये चीजें जरूर आप जान लें, एक बार एक आइडिया ले लें, 50% BMS एंड BHMS सीट्स इन NEIANH शिलोंग मेघालय। ये हैं आपके जो अवेलेबल सीट्स एंड उनके परसेंटेजेस बेसिस अपॉन द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अब आगे बढ़ते हैं कि द कंप्लीट स्केड्यूल जो है नीट काउंसलिंग 2023 का फॉर आयुष कोर्सेज विल बी रिलीज शॉर्टली ओवर हियर। अभी तो देखिए जस्ट आपके एग्जाम खत्म हुए हैं, टिल नाउ यू ओनली गॉट टू नो कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मार्क्स हमारे आए हैं, कट ऑफ आना बाकी हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आना बाकी हैं, सारे कॉलेजेस के लिए क्या कट ऑफ जाएगी, इसके लिए बहुत ही मजेदार वीडियो बना के दूंगा, इसका भी प्रॉमिस है। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा वीडियो दूंगा कि कौन से इनफैक्ट इंडिया के टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस के सारे डिटेल, क्या कट ऑफ गई थी, MBBS के लिए कितना चाहिए, BDS के लिए कितना चाहिए, क्या क्या नहीं, सारी चीजों की इंफॉर्मेशन दूंगा, स्टे ट्यून्ड। ओके चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका वही सेम चार राउंड होंगे आपके, राउंड वन राउंड टू, अगर उसके बाद में नहीं होता है देन यू विल बी कंसीडर फॉर द ईदर मोबाप राउंड और जो स्ट्रेट वैकेंसी राउंड होते हैं उसके लिए 3 and 4। देन है द स्टेप्स ऑफ नीट काउंसलिंग प्रोसेस और आयुष में क्या रहेंगे, सेम चीजें सेम चार प्रोसेस है। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन है, देन वी विल टू पे फॉर द रजिस्ट्रेशन फी, सिक्योरिटी डिपॉजिटिंग एंड देन चॉइस ऑफ फिलिंग आवर पोजीशन, जो भी हमें प्रोग्राम के लिए जाना है इन आवर कॉलेजेस एज पर आवर मार्क्स एंड द रैंक, जो भी मेरिट लिस्ट है हमारी उसके अकॉर्डिंग। देन रिलीज ऑफ द सीट अलॉटमेंट होने वाला है, वो भी चार राउंड में होगा, उसके बाद में फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे, जाके वहां से हम लोग अपने वो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। ये थी कहानी, इसके बारे में आप जानते हैं कि जो आपके 50% रजिस्टर्ड जो ऑल इंडिया कोटा है उसके अंडर आपकी फी स्ट्रक्चर दी हुई है। सिमिलरली ये दिया हुआ है आपके लिए रिफंडेबल एंड नॉन रिफंडेबल कंडीशंस के लिए। आई गेस इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट हाँ मैं देखा हूँ कि जो लास्ट कॉलम है ना वहां पे पहले मैंने 2 lakh देखा था, डर गया था मैं वहां पे भी 50,000 है। यस सो इट्स स्टिल वर्किंग फॉर द सेम कि ऑल इंडिया कोटा 50% रहेगा किसी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, 85% जो रहेगा वो स्टेट कोटा रहेगा, लेकिन यहीं पे अगर डीम यूनिवर्सिटी तो एनीवन कैन अप्लाई एनीवेयर और वो 100% रहेगा उसके लिए कोटा, ऑल इंडिया कोटा जिसको बोलते हैं। ये मैं कुछ डेटा लेके आया हूं जो इट्स बेस्ड अपॉन द मार्क्स जो लास्ट ईयर के कट ऑफ्स लेके आया हूं, 2022 का ये डेटा लेके आया हूं। सो बच्चों इसके अंदर 2022 के नीट का ये डेटा है ना, यस, तो 495-492 जो था AWS के लिए, ये अनरिजर्व्ड के लिए है। BAMS जो था 495 तक मिला था, BHMS जो है होम्योपैथी 380 तक था, यूनानी 365 तक गया था। इस डेटा को एक बार विजिट करो, गो थ्रू करो एंड ट्राई टू पिक द बेस्ट पॉसिबल कि आपके गिवन मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको क्या मिल सकता है। डेफिनेटली इस बार कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाने की प्रोबेबिलिटी है, 5 to 10 और 10 to 15 मार्क, लेकिन हाँ आई मेक श्योर के एक बार इसका आइडिया जरूर ले लेना आप, ठीक है। और इसके ऊपर भी मैं वीडियो जरूर लेके आऊंगा जो फाइनल कट ऑफ फाइनल हो जाए, जो भी आपकी मेरिट लिस्ट रहेगी उसके अकॉर्डिंग, तो मैं डेफिनेटली इस पर एक वीडियो बनाऊंगा
कि किस कट ऑफ पे आपको कौन सा बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, राइट। जो स्टे ट्यून ओनली, ये है बात यहाँ पे। आयुष काउंसलिंग की बात चल रही थी यहाँ पे, और यहाँ पे जो आपके 15% ऑल इंडिया कोटा है उसमें सेम एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ओबीसी नीडब्ल्यूएस को अलग से कुछ परसेंट वाइज कोटा दिया गया है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होते हैं, विच शुड बी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद इट्स अटेस्टेड फोटोकॉपीज, और जो कि वहां पे रिक्वायर्ड होंगी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इन द अलोकेटेड आपके जो कॉलेजेस दिए हुए हैं। सो एडमिट कार्ड चाहिए आपका ऑफ नीट एग्जाम, डेफिनेटली नीट का रिजल्ट कार्ड चाहिए होगा, रैंक लेटर इशू बाय एनटीए, सो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट आपका चाहिए, या फिर 10th स्टैंडर्ड का जो आपका डॉक्यूमेंट होता है, जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है, उसमें भी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, तो दैट ऑल्सो इज कंसिडर्ड एज द डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के काम आ सकता है। देन वी हैव दीज 10th 12th एंड ये मार्कशीट आपके पास होने चाहिए। उसके बाद में है ये और बाकी के जो डॉक्यूमेंट हैं, इनको प्लीज एक बार आप गो थ्रू कर लेना, मैं डॉक्यूमेंट डेफिनेटली आपसे शेयर करूंगा पूरा का पूरा इंटायरली, ये जो आप मैं करा रहा हूं उसका पीपीटी आपसे शेयर कर दूंगा पीडीएफ यार। यस, तो ये थी बात इसके लिए। अब आते हैं किसके लिए, ये कवर हो चुका है, ये एमसीसी और स्टेट कवर हो गया, ये बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस का हमने आयुष काउंसलिंग कवर कर लिया, बचा हुआ है स्टेट का। आगे बढ़ो तो स्टेट काउंसलिंग के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, फिर से सेम चीज है, डेफिनेटली जो आपका स्टेट के जो कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग होती है बच्चों, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पे वेरी करती है, प्लस हर एक कॉलेज का अपना इंडिविजुअल रहता है, हाउएवर द क्राइटेरियाज मैच बाय 90% और 80%, लेकिन थोड़ा सा चेंज रहता है, तो द सिमिलर प्रोसेस विल बी फॉलोड फॉर ऑल अदर काउंसलिंग। तो ये थी कहानी मेरी तरफ से, मैं हूँ संजय आर्य आपका केमिस्ट्री विजार्ड, एंड आई ब्रॉट दिस वेरी इंस्पायरिंग एंड वेरी मोटिवेशनल सेशन टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि अभी जस्ट आप लोगों ने अपने 23 का एग्जाम क्लियर किया है, तो दैट वाज फ्रॉम माय साइड। बच्चों जल्दी से आज ही लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले किसको, बायोटोनिक चैनल को, जहां पे और बायोटोनिक के नाम से ही टेलीग्राम पे भी हम लोगों को सब्सक्राइब कर ले, जुड़ जाओ हमारे साथ में, ताकि आप भी अपने इस जर्नी के लिए हर एक स्टेप के लिए अपडेटेड रहे। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग जर्नी।